इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत खुद नहीं फंसे हैं, बल्कि अब ईडी की जद में उनका पूरा परिवार आता दिख रहा है। राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी पूछताछ कर चुकी है और खबर है कि वर्षा राउत को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मगर इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी के एक सवाल से वर्षा राउत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जी हाँ, ईडी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बाद तो वर्षा राउत की तबीयत ही बिगड़ गई। और जब पूछताछ के बाद वर्षा राउत अपने घर मैत्री पहुंची तो वहां कोहराम ही मच गया, क्योंकि खबर है कि वर्षा राउत अपने घर पहुंचकर एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार बेहोश हो गई। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मेडिकल टीम को भी बुलाना पड़ा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के भाई से ये सवाल पूछ लिया तो सुनील राउत मीडिया कर्मियों पर ही भड़क उठे। तो आखिर क्या था ईडी का वो सवाल, क्यों वर्षा राउत मारे घबराहट के बेहोश हो गई और सुनील राउत मीडिया वालों पर क्यों उखड़ गए, ये सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और राउत फैमिली को लेकर कमेंट जरूर करें। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैसों का हर हिसाब डायरी में नोट करते हैं और शायद यही आदत संजय राउत की भी रही हो। सूत्रों की माने तो संजय राउत भी हर मोटे लेन देन का हिसाब लिखित में रखा करते थे। वो सालों से एक डायरी में अपने फाइनेंशियल हिसाब को लिखते आए हैं और ईडी को अब उस डायरी की तलाश है। अब जब ईडी ने संजय राउत के घर छापेमारी की थी तो उस वक्त टीम ने काफी कोशिश की थी कि वो उस डायरी तक पहुंच जाए, मगर टीम को वो डायरी नहीं मिली। अब तक ईडी की टीम ने संजय राउत से उस डायरी का जिक्र भी नहीं किया, मगर जब 6 अगस्त को वर्षा राउत ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची तो ईडी ने अपने सवालों की लिस्ट में उस डायरी का सवाल भी पूछ डाला, जिसको सुनकर वर्षा राउत की तबीयत बिगड़ गई। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की टीम ने वर्षा राउत से करीब 25 सवाल किए थे, जिसके लिए तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ चली। सामने आया है कि वर्षा ने ईडी के हर सवाल का जवाब भी दिया और वर्षा से 10 घंटे की ये पूछताछ 5 घंटे में ही खत्म हो जाती, क्योंकि वर्षा ने बिना वक्त गवाए सवालों के जवाब दिए थे, ऐसा सूत्रों का कहना है। मगर मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ईडी का 19वां सवाल वर्षा राउत को परेशान कर गया और उसके बाद तो काफी देर तक पूछताछ को बीच में ही रोकना पड़ गया। तो सामने आया है कि ईडी ने वर्षा से पूछा कि हमें वो डायरी चाहिए जिसमें संजय राउत ने पैसों के लेन देन को लिखित में रखा है। अब वर्षा राउत को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि ईडी की टीम को उस डायरी के बारे में पता है, क्योंकि उस डायरी के बारे में सिर्फ संजय राउत और वर्षा राउत ही जानते हैं और किसी को उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। मगर ईडी के मुँह से डायरी का जिक्र सुनते ही वर्षा राउत घबरा गई और वर्षा का बीपी भी लो हो गया। सूत्रों की माने तो वर्षा राउत की हालत को देखते हुए ईडी की टीम ने तुरंत पूछताछ को बीच में ही रोक दिया और वर्षा को पानी पिलाया गया और कॉफी भी पिलाई गई। मगर इसके बाद भी वर्षा राउत की हालत स्थिर नहीं हुई और उनके हाथ पांव कांपने लगे। सूत्रों की माने तो करीब 3.5 घंटे तक वर्षा राउत की हालत खराब ही रही और इसके बाद ईडी की टीम ने वर्षा राउत को जाने के लिए कह दिया। मगर आगे देखिए क्या हुआ। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि वर्षा राउत जब ईडी दफ्तर से निकली तो उनकी हालत बेहद खराब थी और उसकी वजह अब सामने आ रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि जब वर्षा राउत अपने देवर सुनील राउत के साथ ईडी दफ्तर से अपने घर मैत्री पहुंची तो वहां वो 3 बार बेहोश हो गई। वो घर पहुंचकर नॉर्मल ही नहीं हो पाई बल्कि वर्षा की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद सुनील राउत ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया। मैत्री के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो मेडिकल टीम की गाड़ी मैत्री के बाहर आकर रुकी थी, जिसमें 3 फीमेल और 1 मेल डॉक्टर को अंदर जाते मीडिया कर्मियों ने देखा था और ये मेडिकल टीम करीब 1 घंटे तक अंदर रुकी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वर्षा राउत के लिए ही ये मेडिकल टीम को बुलाया गया था। अभी तक खबरें हैं कि जब संजय राउत के भाई सुनील राउत से इस बारे में मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो सुनील राउत सवाल का जवाब देने के बजाय मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए और कहने लगे कि अंदर सब ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है।
अब सवाल ये है कि अगर अंदर सब ठीक है तो मेडिकल टीम क्यों बुलाई गई? और आखिर उस डायरी में ऐसे कौन से राज हैं जिसके बाहर आने का डर वर्षा राउत को इतना ज्यादा परेशान कर गया? क्या पात्रा चौल घोटाले के अलावा कुछ और भी आपराधिक लेन देन किया गया है? आखिर क्यों वर्षा राउत डायरी के नाम से ही इतना ज्यादा परेशान हो गई? आपको क्या लगता है, आखिर क्या है उस डायरी में? क्या कुछ और भी भयानक खुलासे उस डायरी के जरिए हो सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संजय राउत को 4 अगस्त के दिन कस्टडी पीरियड खत्म होने के बाद ईडी की टीम की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। अब जैसा कि आशंका थी, कोर्ट ने एक बार फिर से संजय राउत की ईडी की कस्टडी को बढ़ा दिया। अब संजय राउत 8 अगस्त यानी कि सोमवार तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे और ईडी के सवाल जवाब का सामना करेंगे और 8 अगस्त को एक बार फिर से संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब 4 अगस्त यानी कि आज हुई पेशी के दौरान जब कोर्ट में संजय राउत को लेकर जाया गया तो राउत ने कोर्ट में जाते ही बहानेबाजी और झूठ बोलना शुरू कर दिया और कोर्ट में कहा कि ईडी ने रिमांड के दौरान उन्हें अंधेरे कमरे में रखा है जहां ना पंखा है और ना ही कोई खिड़की। जी हां, संजय राउत ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने उन्हें ऐसे कमरे में रखा है जिसमें हवा के लिए वो बुरी तरह तड़प उठे हैं, गर्मी से उनकी हालत खराब हो रही है। अब राउत जब कोर्ट में बोल रहे थे तो ईडी के वकील ने हंसते हुए कोर्ट में बताया कि संजय राउत सरासर झूठ बोल रहे हैं, गर्मी की बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जहां पर राउत को रखा गया है वो कमरा फुली एयर कंडीशनर है, संजय राउत सरासर झूठ बोल रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब ईडी का जवाब सुनकर संजय राउत बिल्कुल खामोश हो गए और ईडी के वकील की तरफ आंखें तरेर कर देखने लगे। खबरों के मुताबिक अब इसके बाद कोर्ट ने ही संजय राउत से पूछ लिया कि आपकी पंखे और खिड़की की समस्या तो यहीं पर सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब आपका आगे क्या किया जाए, रिमांड बढ़ा दे या जेल जाना पसंद करोगे? तो इस पर संजय राउत बिल्कुल चुप हो गए क्योंकि कोर्ट ने ऐसा सवाल कर दिया जिसमें एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। संजय राउत कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गए और इसके बाद संजय राउत बिल्कुल गिड़गिड़ाने की हालत में उतर आए और कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से इस जांच में जबरन घसीटा गया है। तो इस पर जज ने ईडी के वकील से पूछा कि इनका क्या किया जाना चाहिए। तो इस पर ईडी के वकील ने बेहद संजीदगी के साथ कोर्ट के सामने कहा कि जज साहब, हम 1034 करोड़ और 80 लाख रुपए के स्कैम की जांच कर रहे हैं। संजय राउत वैसे भी हमारी जांच प्रक्रिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे सवालों का वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहे हैं और जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती संजय राउत की रिमांड को बढ़ा देना ही जरूरी होगा। अब ईडी के वकील की बात खत्म होते ही राउत के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि वर्षा राउत के अलीबाग प्लॉट को लेकर सभी कागजात पत्र ईडी को पहले ही दिए जा चुके हैं तो कस्टडी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पेशी के दौरान मौजूद स्वप्ना पाटकर के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि संजय राउत द्वारा स्वप्ना पाटकर को लगातार धमकाया जा रहा है, जिस पर जज साहब ने पूछा कि संजय राउत तो गिरफ्तार हैं, तो भला धमका कौन रहा है। इस पर स्वप्ना पाटकर के वकील ने कहा कि संजय राउत के लोग ही स्वप्ना पर लगातार दबाव बना रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। अब ऐसे ही कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक लगातार बहस चलती रही। राउत, स्वप्ना और ईडी के वकील अपनी अपनी दलीलें देते रहे और कोर्ट ने सभी की बातों को बड़े गौर से सुना।